इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो कि इनेलो पर निशाना साधते नजर आए, उन्होंने हरियाणा में इनेलो की दुकान बंद हो गई है ऐसा कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो पार्टी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि हरियाणा में इनेलो पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, अस्तित्व बचाने के लिए वो लगातार अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है, जहां पर वो इनेलो पार्टी पर निशाना साधते नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि इनेलो पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपने जनाधार की लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ हरियाणा में इनेलो की दुकान बंद हो गई है। तो इनेलो पार्टी पर निशाना साधते नजर आए हैं, इनेलो पार्टी का हरियाणा में जनाधार नहीं है और अपने अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अस्तित्व बचाने के लिए हुड्डा पर वो लगातार बयानबाजी करते हैं। तो बिसर गांव में गौशाला उद्घाटन पर दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने इनेलो पार्टी पर निशाना साधा। तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया है, इनेलो पार्टी पर निशाना साधते वो नजर आए हैं और हरियाणा में इनेलो की दुकान बंद हो गई है ऐसा उन्होंने कहा।